अच्छा, प्लीडिंग जो है वो आज का टॉपिक है और उसकी वजह ये है कि एज ए जज भी ये इतना इम्पोर्टेंट है जितना एज ए लॉयर. एज द सूट बिगिंस विद द प्लीडिंग, प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, बट द सीपीसी डज नॉट से प्लीडिंग इंक्लूड्स. इट सेज प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट. इट डजंट से इट इंक्लूड्स. दैट मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के अलावा सीपीसी प्लीडिंग नहीं कहती किसी चीज़ को. वो कहते शैल मीन, बस दैट्स इट. अगर स्टैट्यूट ये कहना चाहता कि इट इंक्लूड्स, तो फिर और सी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर डाल दिया जाता. सर्टन पटिशंस आर ट्राइड एज सूट्स. वो प्रोसीजर ऑफ द सूट्स लगता है, 12-2 में लगा लेते हैं, 9-13 में लगा लेते हैं, और समनिंग के वही प्रोसीजर्स लगा लेते हैं, एविडेंस रिकॉर्डिंग के लिए इश्यूज फ्रेम कर लेते हैं, उसी तरह से चला लेते हैं. द प्रोसीजर इज फॉलोड एज फार एज प्रैक्टिकेबल एज नियरली एज दैट ऑफ द सूट, बट इट इज़ नॉट सूट. सूट के लिए जो प्लीडिंग्स हैं, वो प्लीडिंग्स के लिए जो रेलिवेंट सेक्शंस और लॉज और ऑर्डर्स हैं वो इस तरह से हैं कि ऑर्डर 6 जो है उससे हम बिगिन विद कर सकते हैं. ऑर्डर 6 सेज प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट. इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे इसको एक छोटा सा, मैंने तो अपनी जिंदगी में हमेशा ये चार्ट बनाया होगा. यहाँ पे हम प्लेंट ले लेते हैं और यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट ले लेते हैं. आई एम ऑडिबल? आप लोगों को आवाज आ रही है ना? इवन इफ आई डोंट यूज द माइक. अब प्लेंट के लिए जो है वो हमारे पास है ऑर्डर 7 और रिटर्न स्टेटमेंट के लिए हमारे पास है ऑर्डर 8. इसके बाद हम अगले ऑर्डर्स पे चलते जाएंगे. अब जो हमारे पास ऑर्डर 6 है जो प्लीडिंग्स को डिफाइन कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं. वहाँ से हम ऐसे चलते हैं कि जब हम सूट फ्रेम करने लगते हैं तो इस चीज़ को आम तौर पर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं उसको बेसिक समझती हूँ. जहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं ना, इन द कोर्ट ऑफ, वह इन द कोर्ट ऑफ बहुत इम्पोर्टेंट है. हम लोग समझते हैं कि प्लेन ड्राफ्ट करने के लिए सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी ऐसे लिख देना इन द कोर्ट ऑफ. इट इज नॉट जस्ट मियरली ए फॉर्मेलिटी. उसकी वजह ये है, ये इन द कोर्ट ऑफ मींस यू मस्ट नो विच कोर्ट यू हैव टू अप्रोच टू सीक रिड्रेसल फॉर योर क्लाइंट. कौन सी कोर्ट, किस अदालत में जाना है आपने, वो कोर्ट वो अदालत आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी. सबसे पहले सेक्शन 9 जो है वो चूंकि ज्यूरिसडिक्शन ग्रांटिंग है, वो सिविल कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन ग्रांट करता है कि ऑल सिविल सूट्स शैल बी ट्राइड. तो हम समझते हैं कि सबसे पहले तो हमने सिविल कोर्ट ही जाके दावा दायर कर देना है, क्योंकि सेक्शन 9 में तो सारी ज्यूरिसडिक्शन दी हुई है. उसकी पहले पोर्शन की तरफ हम चले जाते हैं, बट द रेस्ट ऑफ द पोर्शन दैट इज इग्नोर. एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड वाले को हम छोड़ देते हैं. अब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार हमें देखना चाहिए. सबसे पहले तो सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए जनरल ज्यूरिसडिक्शन के अलावा, जब मैंने जो थोड़ा बहुत अपने उस्ताद से सीखा और हम ऑफिस में ड्राफ्टिंग करते थे, तो हम ये देखते थे वेदर देयर इज एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार. अगर वो उस इम्प्लाइड बार से एक्सप्रेस बार से वो सूट निकल जाता था, फिर हम उसे ड्राफ्ट करते थे फॉर द पर्पज ऑफ सिविल कोर्ट, कि अब हमने सिविल कोर्ट में जाना है. जैसे बैंकिंग लॉ, उसने एक्सप्रेसली बार कर दिया. अब जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस है, उसके तहत जितने सूट्स बैंक से रिलेटेड हैं कस्टमर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, वो बैंकिंग कोर्ट में जाएंगे. इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल बन गए, इंश्योरेंस रिलेटेड आप नहीं आ सकते. लेबर कोर्ट बन गई है, लेबर क्लेम्स आप वहाँ पर नहीं ला सकते, सिविल कोर्ट में नहीं ला सकते. कस्टम्स है, इसके अलावा जितनी स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हैं, फैमिली सूट्स, फैमिली लिटिगेशन, आप ऑर्डिनरी सिविल सूट के तौर पर ही इंस्टीट्यूट कर सकते. ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक्सप्रेसली बार कर रही हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे स्टैट्यूट्स भी आए हैं जिसमें देर इज़ नो एक्सप्रेस बार, कहीं नहीं लिखा हुआ कि अब इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है. कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन वाले सूट्स भी हैं हमारे पास. डेफामेशन ऑर्डिनेंस आया, उसने कहीं नहीं रोका कि आप लॉ ऑफ डैमेजेस जो है अंडर द टॉट
आप सूट नहीं फाइल कर सकते. वहाँ पे ऑर्डिनरी सिविल सूट भी होता है, अगर आप डेफामेशन ऑर्डिनेंस का प्रोसीजर फॉलो करें तो वहाँ पे आप जो है वो उधर भी जा सकते हैं. मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस आया, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के तहत आपने जो मेंटली इल पर्सन है उसके लिए सेशंस कोर्ट में जाना है फॉर सर्टिफिकेट. बट एट द सेम टाइम सीपीसी के जो प्रोविजन है वो अभी वहीं एप्लीकेबल है. सीपीसी के अंदर भी जो है वो लिखा हुआ है वहाँ पे कि और एडजस्ट बाय द कोर्ट इटसेल्फ. अगर किसी और कोर्ट ने किया, जस्टिस जो पहले लुनेंसी एक्ट था 1912 वाला, उसके बाद उसको रिपील कर दिया मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस ने, अगर सेशन कोर्ट ने एडजस्ट कर लिया तभी, या फिर वो कोर्ट इटसेल्फ कैन होल्ड एन इंक्वायरी. तो अगर ऐसा कोई सूट आ जाए जिसके अंदर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी मेंटल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी क्वेश्चन हो जाए वहाँ पे, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के तहत आपने उसको प्लेंट रिजेक्ट करके जो है वो फारिग कर देना है. आप अगर एज अ लॉयर यू हैव टू प्लीड दैट यू कैन सीक रिलीफ फ्रॉम द सेम कोर्ट एंड यू कैन से दैट द सीपीसी इज इनेबलिंग प्रोविजन, देयर इज एन इनेबलिंग प्रोविजन इन द सीपीसी व्हिच अलाउज दिस कोर्ट टू होल्ड ए लोकल इंक्वायरी. वो कोर्ट इटसेल्फ कह सकती है. अगर वो लोकल इंक्वायरी के बाद ये डिटरमिन कर ले कि दिस इज मेंटली इल पर्सन, तब तो आप भेज सकते हैं. लेकिन लोकल इंक्वायरी वो कोर्ट इटसेल्फ कर सकती है मेयरली ऑन द एलिगेशन कि ये मेंटली इल है, अनसाउंड है और इस बंदे का सूट नहीं होना चाहिए. इसके लिए सिर्फ इस एलिगेशन पे प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाए या रिटर्न कर दी जाए कि जी अब आप प्रॉपर फोरम में जाएं. अब उससे पहले एक इंक्वायरी उसी फोरम पे होल्ड करवा सकते हैं. तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बात देखे बगैर हम नहीं जा सकते. फिर सेक्शन 9 के अंदर जो स्टैट्यूट की लैंग्वेज है ना, सेव एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, वो स्टैट्यूट की लैंग्वेज में पढ़ना चाहूंगी, उससे फिर हम जो है वो आगे चल पड़ेंगे. एंड द स्टैट्यूट सेज द कोर्ट शैल हियर, द कोर्ट शैल, और ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेंड. ये जो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेंड है, ये जनरली अगर इस चैप्टर की हद तक देखी जाए तो फिर हमारी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, ये सारा कुछ भी देखना पड़ता है कि आपका शायद सूट जरूर फॉल करता होगा वहाँ पे, लेकिन उस पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट में फॉल ना करता होगा. हो सकता है पार्टीज रिजाइड ना करती हूँ इसलिए वो सूट वहाँ पे कॉम्पिटेंट ना हो, हो सकता है कॉज ऑफ एक्शन वहाँ राइज ना हुआ हो, कॉन्ट्रैक्ट वहाँ ना हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ना हुआ हो. तो जितने एंटीसीडेंट्स हैं सेक्शन 20 तक वो सारे देखने पड़ेंगे. यही नहीं कि आप कहीं भी कोई भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, आपको वो पार्टीज भी देखनी पड़ेंगी, आपको कॉज ऑफ एक्शन भी देखना पड़ेगा, और इसके साथ आपको देखना पड़ेगा कि किस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में ये सूट जाना है. उसके बाद जो है वो आपका प्लेंट की ड्राफ्टिंग शुरू होती. तो इसलिए जो मैंने पहले लिखा ना कि हम लोगों के पास एक ये चीज़ है इन द कोर्ट ऑफ, ये इन द कोर्ट ऑफ सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है कि आपने सेशंस कोर्ट में चले गए और सिविल कोर्ट में चले गए. यू हैव टू नो दाई कोर्ट. हमने अपने उस्ताद से सुना था नो दाई कोर्ट. वो एक तो वो है ना नो दाई जज, एक है नो दाई कोर्ट. आप सीखेंगे पहले समझेंगे कि विच कोर्ट टू अप्रोच. आप एक लिटिगेशन करते रहते हैं ओवर आफ्टर पीरियड ऑफ 10 लॉन्ग ईयर्स हाई कोर्ट या 20 ईयर्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वुड से दैट यू हैव चूजन ए रॉन्ग फोरम. हम लोग उन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को रिलीफ ग्रांट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी और मैं भी, एंड वी ऑल आर पेड फॉर दिस जॉब. ये कोई ग्रेटिट्यूस भी नहीं है. आप फीस लेते हैं, हम सरकार से तनख्वाह लेते हैं, हम सबको देखना है. हमारे पास तब हमने देखना है जब हमारे पास प्लेंट आता है, लेकिन आप लोगों ने एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ द प्लेंट देखना है कि हम जिस रिलीफ के लिए जा रहे हैं वो यहाँ से मिल सकता है या वी हैव टू चूज अनदर फोरम. वहाँ पे थोड़ी सी एहतियात कीजिए, ज़रूर देखिए कि कहाँ पे जाना चाहिए, कौन सा रिलीफ सीख करना चाहिए. फिर जब आप इस कोर्ट के फोरम से आगे निकलेंगे फिर आपके पास आ जाता है फ्रेम ऑफ द सूट. उसको बनाना कैसे है, कैसे उसमें क्या क्या कुछ लिखना है, वो फ्रेम ऑफ द सूट जो है वो भी आपको सारा स्टैट्यूट गाइड करता है. हम वो सीना गजर से बाहर निकल के किताबों की तरफ आएंगे तो किताब आपको बहुत कुछ सिखा देगी, बल्कि सब कुछ ही आपको किताब सिखा देगी अगर आप किताब के साथ थोड़ा सा ताल्लुक अपना बना लेंगे. तो जहाँ कहीं क्वेश्चन अराइज हो, फर्स्टली डू कंसल्ट द बुक, एंड इफ यू डोंट फाइंड एनीथिंग इन द बुक एंड दैट इज एज फार एज आई एम कंसर्न दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि किताब से आपको जवाब ना मिले.
کتاب سے ڈھونڈ کے اس کے بعد پھر آپ اگر کسی اور سے ویریفائی کرنا چاہیں کہ جو آپ نے وٹ یو ہیو گیدرڈ یو ہیو انڈرسٹوڈ اٹ کریکٹلی، پھر آپ ضرور اس سے کسی اور کی جس سے تصدیق کروا لیجئے جس کو آپ سمجھتے ہیں، اور آپ کے پاس تو خزانہ ہے، جس مرضی سے پوچھ لیں۔ میرا خیال ہے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یو آر ناٹ شارٹ آف دیز ہیوج آئی ووڈ سے ٹرائل، تو اس لیے آپ وہاں سے جو ہے وہ شروع کیجئے۔ مگر جو فریم آف دا سوٹ ہے اس کو وہاں سے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ آرڈر جو ہے وہ سکس میں، آرڈر ٹو میں لکھا ہوا فریم آف دا سوٹ۔ آرڈر ٹو کہتا ہے کہ ایوری سوٹ شیل ایز فار ایز پریکٹیکیبل بی فریمڈ سو ایز ٹو افورڈ گراؤنڈ فار فائنل ڈیسیجن۔ جیسے شاہ صاحب نے بگن ود کرتے ہوئے کہا نا کہ ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے ہمارا پلینٹ ریجیکٹ تو نہیں ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں لکھنا۔ اور اس کو دیکھ لکھنے کے لیے جب آپ نے بنانا ہے سوٹ، تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اٹ شوڈ افورڈ اے گراؤنڈ فار فائنل ڈیسیجن۔ اور سی پی سی کے میں جتنا پروسیجر اب تک میں نے سمجھا ہے، اس کے لیے جو دوسرا پرپز اس نے دیا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ اینڈ ٹو پریونٹ فردر لٹیگیشن کنسرننگ دیم۔ اس کے لیے سیکشن 11 بھی ہے، اس کے لیے آرڈر ٹو رول 2 بھی ہے، اس کے لیے سیکشن 12(2) بھی ہے، اس کے لیے 23(2) بھی ہے، اس کے لیے 7(11) بھی ہے۔ یہ سارے وہ پروویژنز ہیں جو کہ پریونٹ فردر لٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سی پی سی ہے، پھر آگے ٹی پی اے میں ہم سیکشن 52 دیکھتے ہیں، 41 دیکھتے ہیں، یہ سارے پریونٹنگ فردر لٹیگیشن۔ تو اگر آپ نے جب سوٹ فریم کرنا ہے، تو پہلے یہ دیکھنا کہ آپ اس سوٹ میں وہ سارے فیکٹس لکھے ہیں جس سے کوئی گراؤنڈ فار فائنل ڈیسیجن میک آؤٹ ہوتی ہو، اور اس کو ایسے فریم کریں کہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں کہ کل کو دوسرا دعویٰ دائر نہ کرنا پڑے، اس سے ریلیٹڈ ایک فریم کرنے کے لیے ایک اور سوٹ نہ کرنا پڑے۔ کیونکہ اگر آپ نے کچھ چیزیں چھوڑ دی، اف یو لیو آؤٹ فیو، پھر آرڈر ٹو آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اور آرڈر ٹو جو ہے وہ کہتا ہے کہ رلنکوشمنٹ سوٹ ٹو انکلوڈ دا ہول کلیم، سب کچھ اس میں ڈالیے۔ ایوری سوٹ شیل انکلوڈ دا ہول آف دا کلیم وچ دا پلینٹیف از انٹائٹل ٹو میک ان ریسپیکٹ آف دا کاز آف ایکشن، بٹ آپشن ہے، بٹ دا پلینٹیف میں کیا کر سکتا ہے، امیڈ ٹو سو اور رلنکوش اینی پارٹ۔ آپ نے لاکھ روپیہ لینا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ اگر میں لاکھ روپیہ کلیم کروں گا، یا آپ نے 50,000 لینا، آپ کہتے ہیں 50 کلیم کروں گا، 15,000 کی تو مجھے کورٹ فیس، یہ 7,500 کی تو کورٹ فیس لگانی پڑ جائے گی، اتنے پیسے تو میرے لگے۔ یو کین امیٹ ٹو سو، آپ اس کو ود ان دا جورسڈکشن آف دا کورٹ لانے کے لیے آپ اس سے امیٹ کر کے اس کو 25,000 پہ لے آتے ہیں، سو دیٹ یو کین سیک ایگزمپشن فرام کورٹ فیس۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے اندر اگر آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں ود انٹرسٹ اینڈ یو فیل دیٹ یو آر ناٹ انٹائٹل ٹو انٹرسٹ، آپ انٹرسٹ پورشن رلنکوش کر کے اپنا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کلیم دس، انٹرسٹ پہ دیا تو تھے بٹ آئی ڈونٹ فیل دیٹ اٹ از ایکسیپٹیبل ٹو می، تو میں نے وہ پورشن رلنکوش کر لیا۔ بٹ وین یو امٹ ٹو سو اینڈ یو رلنکوش اینی پورشن، تو پھر آپ کو اس پلینٹ میں لکھنا پڑے گا کہ میرا اصل تو دعویٰ اس کے خلاف اتنے روپے کا ہونا تھا، مگر میں بغیر اختیار سماعت عدالت اتنے پیسے کا کلیم چھوڑتا ہوں۔ آپ نے رلنکوشمنٹ بھی لکھنی ہے، یا میں وہ حاصل نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں وہ مانگتا نہیں ہوں ریلیف عدالت سے۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں، امیٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کے لیے سبسیکوینٹ سوٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، اگر دیر آر سیورل ریلیفس ریلیٹنگ ٹو سیم کاز آف ایکشن، دعویٰ تکمیل معاہدہ مختص ہے، اس کے اندر آپ کے پاس سیورل ریلیفس ہیں، آپ اس کے اندر جو ہے اسپیسیفک پرفارمنس بھی کلیم کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر اس کی ریٹرن آف پرائس بھی کلیم کر سکتے ہیں آلٹرنیٹ ریلیف کے طور پہ، اس کے اندر آپ اسی کے کانسیکوینشل ریلیف پہ پوزیشن بھی کلیم کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ پرماننٹ انجنکشن بھی کلیم کر سکتے ہیں، ایون کہ سو کہ آپ اس کے اندر، اگر ہمارے یہاں پہ میں نے جو پلیڈنگز میں ایک کمی، ساتھ ساتھ دعووں کے ساتھ ساتھ میں وہ کمی بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی۔ پلیڈنگز میں ہم کرتے گئے، وی ڈو ناٹ سیک فار کمپنسیشن فار ڈیفیکٹ آف ٹائٹل۔ وٹ ایف ڈیورنگ دا پینڈینسی آف دا سوٹ اٹ اپیئرز دیٹ دا ڈیفینڈنٹ ہیز لاسٹ اٹس ٹائٹل، اس کی جو سیل ڈیڈ تھی اٹ ہیز بین کینسلڈ، اٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ نل اینڈ وائڈ بائی اینی کمپیٹنٹ کورٹ۔ اب اسپیسیفک پرفارمنس تو آپ کا ڈگری نہیں ہو سکتا، آلٹرنیٹیولی آپ نے نہ ریلیف مانگا ہے آپ کی ریفنڈ کا، اور نہ آپ کمپنسیشن کلیم کر رہے ہیں
कि वेंडर विद इम्परफेक्ट टाइटल वाला जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहता है कि आप उसमें कॉम्पनसेशन दी जा सकती, वो आप नहीं मांगते. तो अल्टरनेटिव रिलीफ्स ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन जब आपको मिलते हों तो आप उन्हें मांगिए, क्योंकि अगर आप नहीं मांगेंगे तो फिर ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड्स सो फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड, जो आपने ओमिट किया उस पर तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन जिसको आप मांग सकते थे और आपने नहीं मांगा उसके लिए फिर आपको विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट आप वो सेवरल रिलीफ्स में से कोई एक रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डर टू रूल थ्री आपकी राह में आके खड़ा हो जाएगा. और वो कहता है पर्सन एंटाइटल टू मोर देन वन रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन मे सू फॉर ऑल और एनी ऑफ सच रिलीफ्स, बट इफ ही ओमिट्स तो फिर क्या हो गया, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, इजाजत लेनी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं हो सकता. टू सू फॉर सच रिलीफ ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड, जो रिलीफ उसने छोड़ दिया उसको वो दोबारा नहीं मांग सकता, खुद से नहीं मांग सकता, उसके लिए उसको फिर उस अदालत की इजाज़त लेनी पड़ेगी कि अब ये सरकमस्टांस हो गए. तो रादर के आप बाद में परमिशन सीक करें, जिस वक्त आप एट लिबर्टी हैं कि जो मांगना चाहे मांग लें, तो उस वक्त आप वो रिलीफ सीक कर लें. तो फ्रेम ऑफ द सूट शुड बी कि जितने रिलीफ्स आपके कॉज ऑफ एक्शन में मिलने चाहिए वो दिए जाएँ. आई हैड वन सूट बिफोर मी, इट हैड स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम फॉर 15 लॉन्ग ईयर्स. There was a suit for partition without seeking any relief for possession. Dawa taqseem e jayadad. That's it. And when I decided the list and I had to announce the judgment and I had to write the judgment, so it was merely relief of partition. And what is the fun of having your property partitioned if you cannot seek your possession? अगर आपने उसके साथ कब्जा ही नहीं मांगा तो पार्टीशन करा के क्या करेंगे, शेयर तो वहीं लिखा हुआ है, पहले भी कागजात में लिखा हुआ है. तो पार्टीशन होती है बाय मीट्स एंड बाउंड्स, आपको कब्जा दिला के आपका हक अलग करके दे दिया जाए, दिस इज योर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. तो दैट रिलीफ वॉज नॉट इवन आस्क्ड फॉर. फिर व्हाट आई डिड, मैंने सेक्शन 94 की सप्लीमेंटल प्रोविजन का लिखा उसके अंदर कि दिस इज़ द प्रोविजन विच अनेबल्स मी कि मैं आई कैन पास एनी ऑर्डर टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग एंड टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. दो चीज़ों को लगाकर फिर मैंने उसको रिलीफ और सेपरेट पोजेशन भी दिलवाया. और उसके अंदर फिर लिखा कि चूँकि प्लेंट में जो आप जनरलाइज लिख रहे थे ना एनी अदर रिलीफ, जो इस ऑर्डर में भी CPC भी जिसको परमिट तो करती है, वो जो जनरल रिलीफ है ना वो भी कुछ आपको सेव कर लेता है बाजू का जो आपने लिखे होते हैं, और कोई दीगर करी दाद रसी जो के करीने इंसाफ वो दिलाई जाए, तो वो बहुत दफ़ा आपके रेस्क्यू के लिए आता है एंड दैट इज़ वेरी गुड इम्प्लॉय, वो ज़रूर लिखिए उसके अंदर. बट रिलीफ्स मस्ट बी स्पेसिफिकली सॉर्ट कि हमें ये चाहिए. पिछले केसेस में पुराने दौर में यही होता था, रेंट की पिटीशन में एजेक्टमेंट सीख कर ली और उसके बाद दीगर दावा दायर कर दिया कि अब हमें वापस भी सारा कुछ दिलाया जाए, जितने रेंट था वो भी दिलाया जाए. सूट फॉर पोजेशन में आप मींस प्रॉफिट क्लेम कीजिए, साथ ही मिल जाएंगे. उसने कोई डैमेज टू द प्रॉपर्टी किया उसके लिए डैमेजेस भी उसी में क्लेम कर लीजिए कि इसने दुनाने इस्तेमाल ये जायदाद जो है उसको मेरे को ये नुकसान पहुँचाया, इसका मेरा ये तखमीना है, वो भी उसके अंदर ही क्लेम कर लीजिए. सो दैट ऑल द रिलीफ्स मस्ट बी इन द सेम सूट. बाज़ औक़ात एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि आपको जजमेंट एंड डिग्री ऑब्टेन करने के बाद जब जजमेंट एंड डिग्री वो वेरी मॉडिफाई या सेट असाइड हो, तो उसके लिए अक्सर मैंने ये देखा है लोग जो हैं वो उस रिलीफ को वापस लेने के लिए जो उस डिग्री की वजह से उससे ले लिया गया था एक जदीद दावा दायर कर देते हैं. मैं उसको प्लीडिंग का पार्ट समझते हुए जो है वो आपको सिखाना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ. 144 CPC इट सेज रेस्टिट्यूशन, अगर किसी जजमेंट डिग्री कोई सेट साइड या मॉडिफाई हो और उसमें किसी से कोई रिलीफ कोई पार्ट कोई चीज़ ले ली गई हो और यू आर एंटाइटल्ड टू रिटर्न ऑफ दैट, तो आपके लिए सेपरेट सूट नहीं है. आप 144 की एप्लीकेशन उसी कोर्ट में दीजिए और उस कोर्ट में देते साथ वो रिलीफ उस पिटीशन में वापस ले लीजिए, रादर देन कि आप उसके अंदर जो है वो एक नया सूट फाइल करें. सबसिक्वेंट सूट उसके अंदर नहीं होगा. एम आई क्लियर ना? अगर कुछ उसको मुझे समझाने की ज़रूरत है तो आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. अगर किसी से डिग्री के तहत कब्ज़ा वापस ले लिया जाए, डिग्री फॉर पोजेशन है,
और उसके बाद वो डिग्री सेट असाइड हो जाए तो द पर्सन हु हैज बीन आउट ऑफ पोजेशन अंडर द डिग्री ही कैन सीक हिज पोजेशन, ही कैन रिस्टोर हिज पोजेशन अंडर सेक्शन 144 सीपीसी. काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से इतनी लिंक्ड होती हैं, मेरा ख्याल हम आगे ही आगे चलते जाते हैं. हाउ मच टाइम आई हैव? अनलिमिटेड. नहीं, मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा ये ना हो कि मेरी वजह से जिस वक्त आप लोग ना थोड़ा सा उगता आ जाएं और थक जाएं, मैं नहीं थकूंगी. तो आपने मुझे रोक देना है कि इनफ, बस अब यहाँ पे वो एक लेवल आ गया है सैचुरेशन का, अब हम सैचुरेटेड हो गए हैं, अब इससे ऊपर डल नहीं रहा, तो आई विल स्टॉप वहाँ पे, हम मैं रोक दूंगी. ये अब ऑर्डर टू से कुछ बातें थी रिलेटेड. उस ऑर्डर टू के बाद जो है वो हम लोग, मैं जाना चाहती कि हम सीधा जो है ये ऑर्डर सिक्स पे चले जाते हैं, ऑर्डर सिक्स के प्लीडिंग्स पे. और प्लीडिंग्स में जो है वो आप ये देखें, हमने अभी तक सुनते आए हैं कि प्लीडिंग्स आर नॉट एविडेंस, प्लीडिंग्स आर नॉट एविडेंस. लेकिन एक सवाल साथ ही जेहन में आ जाता है, व्हाट अबाउट द एडमिशंस इन द प्लीडिंग्स? एविडेंस तो नहीं है. प्लेंट में कुछ एडमिट किया हुआ, रिटन स्टेटमेंट में कुछ एडमिट किया हुआ, फिर वो शहादत नहीं है, तो हमें उसका क्या फ़ायदा? उसका फ़ायदा ये है कि हमें कानून शहादत जो है वो प्रोटेक्शन दे देता है 113 में. QSO आपको आगे कहता है कि एडमिटेड फैक्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड. में इट इज़ नॉट मैंडेटरी रूल, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. मगर आप क्या कर सकते हैं, ये अल्फाज ही है ना जिनको आगे पीछे घुमा के आप लोगों ने कोर्ट से रिलीफ लेना है. तो यू कैन आस्क द कोर्ट दैट दिस इज एन एडमिटेड फैक्ट, पार्टीज आर नॉट एट इशू एज रिगार्ड्स दिस, सो देर इज़ नो नीड टू फ्रेम इशू, देर इज़ नो नीड टू लीड एविडेंस. बट इफ द कोर्ट सेज दैट यू आर रिक्वायर्ड टू लीड एविडेंस, देन यू हैव टू, क्योंकि फिर कोर्ट आपसे मांगेगी. और ये ऑर्डर 8 में भी ऐसे ही दिया हुआ, बिल्कुल QSO वाला. मैं अगर ऑर्डर 8 पे जा सकूँ तो मैं आपको वहाँ से जो है वो बताती हूँ. और वो ऑर्डर 8 में जो है वो ये एक रूल है, सब रूल 5 है, ऑर्डर 8 रूल 5, उसमें लिखा हुआ स्पेसिफिक डिनाइल. स्पेसिफिक डिनाइल के साथ एक छोटी सी जो है प्रोवाइजो आ गई है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर एनी फैक्ट सो एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन. तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे QSO का 113 है, तो आप उसमें भी आ सकते हैं अगर वहाँ पे एडमिटेड फैक्ट है. तो एडमिटेड फैक्ट में मेरे पास तो इतनी लिटिगेशन में आते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर जज साहब ने वो इशू फ्रेम कर दिया था तो वहाँ पार्टी ने क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया. देर इज़ अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, देर इज़ अ रिटन स्टेटमेंट दैट सेज यस वी एडमिटेड द एग्रीमेंट बट दिस पार्टी डिड नॉट कम अप विद द कंसिडरेशन अमाउंट इन टाइम. And there is an issue whether the defendant entered into agreement to sell with the plaintiff and the party start continue leading their evidence. This is an admitted fact. This is not an issue. तो उस पर evidence क्यों लीड की जाए? अगर है तो एक ही रह गया अब यहाँ पर कि क्या it was within time, एक, और क्या the delayed payment it is going to affect the agreement to sell, जिसको हम सिंपली फ्रेम कर देते हैं whether time is of the essence of contract. क्या वक्त से कोई फ़र्क पड़ता था? अगर उसने उस वक्त नहीं दिया और अब ही स्टिल विलिंग एंड रेडी, तो क्या इन्फोर्सिबल हो सकता है एग्रीमेंट? एक ये बनता है, इसके अलावा और मेरा ख्याल है इस पूरे सूट में कोई और इशू ही नहीं बन सकता. देर इज़ नो अदर डिफेंस एक्सेप्ट द टाइम वॉज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जी उसमें नहीं दिया इसलिए हमारा एग्रीमेंट रिवोक हो गया. तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो, आपके ओपोनेंट साइड से आपको ऐसी कोई प्लीडिंग मिले, तो उसके लिए बी विजिलेंट व्हेन द इश्यूज आर फ्रेम्ड. देखिए कि क्या होने चाहिए थे. ये असिस्टेंस दोनों तरफ से होती है. जब भी इश्यूज फ्रेम होते हैं हम नीचे लिखते हैं द पार्टीज डू नॉट प्रेस फर्दर इशू. तो अगर आप लोग जो हैं वो विजिलेंट नहीं होंगे, देखेंगे नहीं कि क्या इशू फ्रेम हुआ, फिर कोर्ट जो चाहेगी. 15-15 इश्यूज ऐसे सूट्स में मैंने फ्रेम हुए हुए देखे हैं, और उसके बाद उन हर 15 इश्यूज के ऊपर और फाइंडिंग्स भी मैंने देखी हैं.
तो इसलिए उसको कर्टेल करने के लिए अपने अपनी लेबर को कर्टेल करने के लिए कल को शहादत उस पर आप लोगों ने लीड करवानी है, उस पर आर्गूमेंट्स आपने करने हैं, तो इश्यूज़ जब सेटल हो रहे होते हैं उस वक्त काइंडली असिस्ट कीजिए कोर्ट को, बताइए कि ये कंट्रोवर्सी थी। रिटर्न स्टेटमेंट आते साथ उसके मैं जब किया करती थी अपने सीनियर के लिए फाइल, तो रिटर्न स्टेटमेंट आते साथ ही मैं उसके अंदर से जो है ना एडमिशंस जो हैं वो हाईलाइट कर लिया करती थी, मैं रिटर्न स्टेटमेंट पे हाईलाइटर से निशान लगाया करती थी, पिंक फॉर एडमिशन, ग्रीन फॉर कॉन्ट्रडिक्शन डिनाइल्स, ब्लू फॉर इवेसिव डिनाइल, ऐसे मैं ऊपर लिख के ना तो नीचे से हाईलाइट कर देती थी और अपने जो हमारे सीनियर थे उनके लिए फाइल रख दिया करती थी, वो ऊपर देखते थे अच्छा एडमिशन है, अगर पिंक कोई नहीं लगा हुआ इसका मतलब है द रिटर्न स्टेटमेंट डज नॉट कंटेन एनी एडमिशन, तो वो कहते थे अच्छा अब कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, मैं कहती थी देख लें मैंने निशान लगाया हुआ, लेट्स डिस्कस दिस इज़ द कॉन्ट्रोवर्सी, फिर हम वहाँ से जो है वो खुद से इशू फ्रेम किया करते थे वहाँ बैठ के अच्छा क्या होगा, और अगर अदरवाइज है कोई चीज़ रह गई है तो हमारी फ़ौरन एक एप्लीकेशन जाती थी कि ये अप्रोप्रिएट इशू था ये फ्रेम नहीं हुआ, जब फाइनल आर्गूमेंट्स हो रहे होते हैं उस वक्त जो है वो काउंसल्स जो हैं दे कम अप विद देयर स्टैंस कि जी ये एक हमने लिया हुआ था उधर इस पर तो इशू नहीं फ्रेम हुआ, मैडम इस पर इशू फ्रेम कर दें, एट ट्रायल लेवल जब मैं काम करती थी फिर क्या होता था इशू फ्रेम करती थी, एविडेंस तो पहले से उन्होंने लीड की हुई थी, काउंसिल के सिग्नेचर करवाया करती थी वहाँ पर, उस फॉर्मेलिटी को पूरा करती थी कि इशू अब फ्रेम हो गया बट वी रिलाई ऑन आर अर्लियर एविडेंस, तो उसके ऊपर करते हुए फिर जजमेंट जो है वो उस इशू के ऊपर फाइंडिंग दे के अनाउंस किया करती थी, लेकिन ये बड़ी डिफिकल्टी आ जाती है अगर हम टाइमली नहीं करते। एक प्रैक्टिस जो मैंने अपने ट्रायल लेवल के ऊपर अडॉप्ट की है, आप एज असिस्टेंट्स टू द कोर्ट अगर कोई खुद जज साहब नहीं करते, आई वुड मेक ए रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप कोर्ट को रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ना कि जब हम लोगों के लिए 7 days का पीरियड है फॉर फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, तो फिर महीने की या 2 महीने की डेट पहले क्यों डाल दी जाती है, वाई नॉट ए डेट मियरली फिक्स्ड फॉर फाइलिंग लिस्ट ऑफ विटनेसेस। जब मैं सर्विस में आई और मैंने ये देखा होता क्या था कि उसके बाद एक दरख्वास्त आती थी कि जी हमारी ये लिस्ट ऑफ विटनेसेस शामिल कर ली जाए और उसके ऊपर एक एलिगेशन लिखी होती थी, कुछ नहीं होता, हमने फाइल की थी बट द एलमंड मिसप्लेस्ड इट, क्योंकि एलमंड ने मिसप्लेस कर लिया, अब एलमंड की इंक्वायरी लगे जो मर्जी हो जाए, अब उस एप्लीकेशन ने तो के साथ जो है वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस आनी ही आनी है, तो उसको कर्ब करने के लिए व्हाट आई डिड एट द टाइम ऑफ रेंगम इश्यूज, मैं उसमें फिक्स ही करती थी 7 days, ऐसे उंगलियों पे काउंट करके 7 दिन लिख के करती थी, और उस दिन ऑर्डर शीट पे लिखा जाता था कि मंजानी मुदई फरिस्त गवान दाखिल शुद, मंजानी मुद्दा रे फरिस्त गवान दाखिल शुद, अब बराए शहादत फिर द कोर्ट कॉल्स एविडेंस, दैट इज़ द प्रॉपर प्रोसीजर। तो अगर आपके यहाँ पे प्रैक्टिस में ऐसे नहीं है तो यू कैन रिक्वेस्ट जिस दिन आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दी है या स्टे एप्लीकेशन की आर्गूमेंट्स करें, स्टे एप्लीकेशन के आर्गूमेंट्स करते साथ एक रिक्वेस्ट जज साहब को कर दीजिए कि सर बराए मेहरबानी जब आज इश्यूज फ्रेम करेंगे तो अगली पेशी 7 दिनों की फहरिस्त गवाहान के लिए डाल दीजिएगा, इससे कॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग, जब अपनी डायरी पे आप लोग नोट करेंगे बराए फहरिस्त गवाहान, तो आप जब प्रोसीडिंग्स देखेंगे आप कहेंगे अब तो फहरिस्त गवाहान लेनी है, यू विल कॉन्टैक्ट योर क्लाइंट, यू विल आस्क हिम के लिस्ट दो भाई अगली पेशी है, और इफ एट द टाइम ऑफ दैट डेट लिखा जाएगा कि फहरिस्त गवाहान मनजानी मुद्दा ले या मुद्दे दाखिल नहीं की गई, तो फिर आप जानते हैं कि कितनी कोशिश करनी पड़ती है, फिर उसके बाद वो जो सुप्रीम कोर्ट की अब लेटेस्ट जजमेंट आ गई है वो हर जगह आपको हिट कर रही है, और जब हिट कर रही है फिर आपकी निगरानियाँ ऊपर आ रही हैं, ऑल दो आई एम डेयरिंगली सेटिंग असाइड ऑल दोज ऑर्डर्स बट वो लेबर 6 महीने साल 1.5 साल तक जा सकती है, उसको अवॉइड करने के लिए हमें सिर्फ एक एफर्ट करनी है, 1-7 दिन का वक्त हम लोगों को चाहिए और उसके अंदर हम वो सारी 1.5-2 साल की लेबर जो है अवॉइड कर सकते हैं, फर्दर लिटिगेशन रुक जाएगी, जो हमारी एफर्ट है एक CPCM में कह रहा है फर्दर लिटिगेशन रोके, फर्दर लिटिगेशन रोक ले इस तरीके से रोक ले। इनको नींद आ रही है थोड़ा सा पानी पिला दें, आपको नींद आ रही है, आपको नींद आ रही है, आई थिंक यू आर नॉट फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग, तो थोड़ा सा पानी पी लें, या शायद सोए नहीं रात को, आप कभी इधर आके देखें ना, यहाँ जो है बैठे हुए शायद इतना फील ना हो, लेकिन व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट दिस साइड ऑफ द रोस्टम
मतलब यू कैन सी ईच एंड एवरी पर्सन दैट इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, आप देख सकते हैं. एंड द पर्सन हु इज हेयर, उसकी सबसे बड़ी जो खुशी होती है ना वो ये है कि द पीपल हु आर सिटिंग नेक्स्ट टू हिम और हर, वो जो वो बताना चाह रहा है वो उनके लिए कोई बेनिफिशियल है. और हम लोग कहते थे जब लॉ कॉलेज में होते थे, जिस क्लास में हमें इंटरेस्ट नहीं होता था तो मैं कभी क्लास बंक नहीं करती थी, लेकिन अपने उस उस्ताद की मैं भी बंक कर लेती. मैं कहती थी लोरियाँ ही देनी है सर ने, मैंने सो जाना फिर. और फर्स्ट रो में मैं बैठती थी तो मैं सो नहीं सकती थी, इसलिए फिर मैं कहती थी आज बंक कर लेते हैं, इससे बजाय से कि मैं सामने बैठ के सो रही हूँ. एंड आज स्पीकर वुड फील कि जी कुछ नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से जो है ना वो अच्छा नहीं लगता. बस इतनी सी बात. अच्छा, अब उसके बाद जो हम प्लीडिंग्स ड्राफ्ट करते हैं, इसके अंदर जो है वो जो हम लोगों को फॉर्म दिए हुए, अगर अव्वल तो आपके पास इतनी गाइडेंस है आपको शायद उस परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट द सीपीसी द कोड इट टीचेस यू, वो आपको खुद बताता है अगर ये दावा दायर करना है तो उसके लिए क्या करें. वो फॉर्म दिए हुए अपेंडिक्स ए में, किस किस्म का दावा, उसको किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, उसमें क्या होना चाहिए, हर तरह के दावे के पीछे जो है ना वो एक नकल बना के उन्होंने दी हुई है, उसके अंदर आप फिल इन कर सकते हैं. ये इसका रेफरेंस जो है ये ऑर्डर 6 रूल 3 में दिया हुआ फॉर्म ऑफ प्लीडिंग्स, और वो वहाँ पे लिखा है द फॉर्म्स इन अपेंडिक्स ए व्हेन दे आर एप्लीकेबल ऑफ लाइक कलेक्टर एज नियरली एज मे बी शैल बी यूज्ड फॉर ऑल प्लीडिंग्स. शैल बी यूज्ड में नहीं लिखा हुआ, शैल लिखा हुआ है. आपको सिखाने के लिए उन्होंने फॉर्म पीछे दे दिया, वो कहते हैं हमको फॉलो करें, देख के वहाँ से किस किस्म का सूट और उसकी क्या प्लीडिंग्स होनी चाहिए. उसके बाद एक जो असूल प्लीडिंग्स में हमारे पास आ जाता है कि आपने मटेरियल फैक्ट्स लिखने, सिर्फ यह नहीं लिखा हुआ मटेरियल फैक्ट्स लिखे हुए हैं, फैक्ट्स नहीं, नॉट ओनली फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स. अब एज ए लॉयर यू मस्ट नो व्हाट आर मटेरियल फैक्ट्स. साहिल ने आपको पूरी कहानी बता दी है, अब आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ है जिसको आपको मटेरियल फैक्ट्स डिटरमिन करने का एक टेस्ट है, उसका एक लिटमस पेपर टेस्ट है. एंड दैट इज अगर आपने ये आज ना बताई तो कल इसका नुकसान क्या होगा, आप क्या कल को नहीं कर सकेंगे. वो जो नहीं करने वाला फेलियर आ जाएगा वो आपको बताएगा कि ये आज करने हैं. जितनी प्लीडिंग्स ओरल ट्रांजैक्शन के लिए, इधर इट इज़ एग्रीमेंट टू सेल, इधर इट इज़ गिफ्ट, और भी कोई आपका ओरल क्लेम पे है, तो उसके लिए ज़रूरी है, जैसे शुफा के दावे में बड़ी सख्ती से ज़रूरी है, यू मस्ट मैंशन द डेट टाइम प्लेस विटनेसिस द मैनर द मोड इन विच एवरीथिंग हैपन, दीज आर ऑल मटीरियल फैक्ट्स. अदरवाइज शायद किसी और सूट के लिए तारीख महीना मेंशन करना ज़रूरी ना हो, लेकिन जहाँ पे हम ओरल ट्रांजैक्शंस पे आ जाते हैं, ओरल एग्रीमेंट टू सेल लिखना है लिखिए, ओरल गिफ्ट है उसके लिए आप डिक्लेरेशन का दावा ड्राफ्ट करते हैं लिखिए कब हुआ था, उसके लिए फिर आपको एक और भी है ऑफर भी लिखनी है, स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस भी लिखनी है, अगर माइनर है तो उसके बिहाफ पे ये भी लिखना है कि किसने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि अगर आप माइनर के भी आप ये डिटरमिन करना होता है, क्योंकि वो बंदा शायद इस वक्त मेजर हो गया है जिसके लिए आप डेक्लरेशन सीख कर रहे हैं, लेकिन जिस डेट की वो डेक्लरेशन मांग रहा है उस वक्त वो माइनर था. अब आप अर्जी दावा लिखते हैं और कहते हैं मुदई ने को जो है वो ये घीबा हुआ फलाने गवाहान की मौजूदगी में, और मुदई ने जो है वो इसका जो है एक्सेप्ट कर लिया घीबा को, वेदर ही कुड ही वॉज माइनर एट दैट टाइम इसका ख्याल नहीं रखा जाता. अब क्या होता है कि जब वेन द सूट प्रोसीड्स तो आता है कि जी वॉज माइनर, वो खुद आता है बतौर गवाह मुदई ने तो आना है, वो आएगा और वट ही वुड से कि बवक्त हिबा जो है मेरी उम्र, वो पूछेंगे क्रॉस में जी कितनी थी, वो कहेगा जी मेरी उम्र 7 साल थी, कहा भाई तुमने तो अर्जी दावे में लिखा तुमने हिबा को कबूल किया, तुम तो कर ही नहीं सकते, मोमडन लॉ आ जाएगा रास्ते में, वो कहेगा कि जी उसकी जगह पर तो किसी और ने करना था. तो जब आपने गिफ्ट के लिए एक ओरल ट्रांजेक्शन के लिए लिखना है तो माइनर की हद तक ये भी देखिए. फिर प्लीडिंग्स में अब माइनर का जिक्र हो गया तो माइनर के लिए ये कहीं जो माइनर प्लेंटिफ है उसके लिए आपको किसी गार्डियन की ज़रूरत नहीं है,
माइनर कैन सू थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड. आप अर्जी दावा में उसकी वालदा, उसका वालिद, उसका बड़ा भाई जो हयात है उसमें लिख सकते हैं कि वो एज नेक्स्ट फ्रेंड आ रहा है. बट इफ़ यू सू ए माइनर डिफेंडेंट तो उसके लिए आपको गार्डियन एड लाइटम अपॉइंट करवाना पड़ता है. बाज़ वक़्त पूरा पूरा दावा डिसाइड हो जाता है, अपील में आते हैं और उस वक्त आके पता चलता है कि जी माइनर डिफेंडेंट्स दे वर अनरिप्रेजेंटेड. उनकी तरफ से जवाब दावा किसी ने फाइल कर दिया, उनकी तरफ से वकालतनामा भी आ गया वो फाइल. इस लकुना को कोर्ट्स ने तो फिल इन कर दिया. उन्होंने कहा है कि इफ़ देयर इज नेक्स्ट ऑफ किन हु हैज़ डिफेंडेड द सूट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर्स तो दिस इट कैन नॉट इट कैन बी रेक्टिफाइड. उसको उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया कि ठीक है, ही वॉज ड्यूली रिप्रेजेंटेड. मगर हमारी जिम्मेदारी से हम नहीं मुबर्रा हुए, हम वहीं के वहीं जिम्मेदार हैं कि हमें ऑर्डर 32 वाली जो है एक दरख्वास्त देनी देनी है कि इसका गार्डियन एड लाइटम अपॉइंट कर दिया जाए ताकि वो अनरिप्रेजेंटेड ना रहे. एक दफ़ा आपने ट्रायल में यह करवा लिया, फिर अपील है, रिव्यू है, रिविजन है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, उन माइनर्स का गार्डियन जो एड लाइटम अपॉइंट हुआ हुआ है, अब ये डिफेक्ट आपका ख़त्म हो जाता है. अब उन माइनर्स के बिहाफ पे किसी ने एग्रीमेंट करना है, देयर इज़ ए गार्डियन एड लाइटम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है उनके बिहाफ पे, क्योंकि उन्होंने तो अपने इंटरेस्ट को वॉच नहीं करना, उनका इंटरेस्ट किसी और ने वॉच करना है. उसके लिए हम लोगों को विजिलेंट होना है कि हमने एक माइनर का जो है वो गार्डियन एड लाइटम अपॉइंट करवाना है, उसके लिए ज़रूर कर दीजिए. फिर जहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ फ्रॉड अलेज करते हैं, फ्रॉड इज़ नॉट जस्ट ए वेग एलिगेशन, उसके लिए इंसिडेंट्स ऑफ फ्रॉड कैसे कैसे किया गया वो लिखना ज़रूरी है. अगर आपने वो नहीं लिखना तो फिर ऑर्डर 6 रूल 4 जो है वो आपके रास्ते में आ जाता है. और वो कहता है जी पर्टिकुलर्स ऑफ फ्रॉड मेंशन करने थे. एक इशू भी इसके ऊपर फ्रेम हो जाता है कि इंसिडेंट्स ऑफ फ्रॉड मेंशन नहीं किए गए, तो काइंडली जब लिखिए. जैसे कि एक बंदा कहता है जी मेरे से इंतकाल पे इन्होंने धोखे से दस्तखत कर लिए, व्हाट वाज द धोखा. अब अगर वो ये स्टेट करे कि जी मैंने जैसे आज गाँव में बड़े आराम से वो ये एक बहाना जो है वो अब प्लेंट्स में आना भी शुरू हो गया, मुझसे बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए इन्होंने अंगूठे लगवा लिए, दिस इज़ द पर्टिकुलरली द इंस्टेंट ऑफ इंसिडेंट ऑफ फ्रॉड के कैसे किया गया है. मेरा शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए मुझे लेकर गए, कैसे अंगूठे लगवा लिए ये अब उसने एक्सप्लेन किया. अब ही वॉज इन नीड ऑफ, अब आप इसके लिए फर्दर एविडेंस लीड कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, मगर ये फैक्ट लिखना ज़रूरी है कि कैसे फ्रॉड हुआ है. तो इंसिडेंट ऑफ फ्रॉड अब आपने मेंशन करना है इसके अंदर. अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के जितने दावे होते हैं उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन पूरी नहीं होती, तो डिस्क्रिप्शन भी यही सीपीसी कहती है कि अगर प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइबल है विद रिस्पेक्ट टू खसरा नंबर्स, खाता नंबर्स, बाउंड्रीज, सर्वेज नंबर्स, तो फिर आप लिखिए उसके अंदर कि विच इज़ द सूट प्रॉपर्टी. जिस तरीके से भी मोस्ट प्रॉपरली आइडेंटिफाइबल है उसको मोस्ट अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाई करें विद बाउंड्रीज, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब लिख के बताइए, ठीक है. और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक नक्शा साज़ ज़रूर अनेक्स कर दीजिए, क्योंकि जो आप विजुअल साइट बना के कोर्ट को दिखा सकते हैं वो आप आर्गूमेंट्स में नहीं दिखा सकते. आप एक नक्शा नजरी मौका, Nobody, no code, no law prohibits you from doing this. कोई नहीं आपको कहता कि आप नक्शे, जहाँ आपने दावा करना है, तकमील मायदा मुख्तस का दावा है, जो प्रॉपर्टी आपके पास एग्रीमेंट टू सेल में लिखी हुई है उसका नक्शा बना सकते हैं. आपने दावा दिलापा ने कब्जा करना है, जो प्रॉपर्टी आपकी है आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, आप उसकी बाउंड्रीज बनाइए, उसका खसरे उस खसरा नंबर सर्वे नंबर सब लिखिए. ये आइडेंटिफाई कर देता है उस प्रॉपर्टी को इतना अप्रोप्रिएटली. कल को जब आपको कब्जा लेना होता है इन सारे दावों के तहत, तो आपको कब्जा लेने में बड़ी आसानी होती है कि मेरा डिक्रीड पार्ट ये है, मुझे इसका कब्जा दिलाया जाए. तो इसलिए उसको आइडेंटिफाई कीजिए विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्रीज कीजिए ताकि आसानी हो सके. ये तो है हमारे फ्रेम में. हमने प्लेंट में क्या करना है, प्लेंट के साथ भी कुछ चीज़ें लगानी होती हैं, वो लिस्टें सी जो होती हैं फरिश्तें. अब जो बड़े वकला हैं वो नहीं भरते, अब वो चूंकि जूनियर्स भरते हैं तो जो न्यू कमर्स होंगे उनको पता होगा. पता नहीं अब आप लोग भी भरते हैं कि नहीं भरते, कि मुंशी ही भरता है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रैक्टिस. बट हमारे ऑफिस में व्हाट आई यूज़ टू डू, जब मैं दावा ड्राफ्ट करती थी, प्लेन ड्राफ्ट करती थी, तो मैं सारी फरिश्तें भी खुद भरती थी, क्योंकि आई न्यू व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस. जब तक आपको किसी चीज़ का आखिरी नतीजा नहीं पता होता ना,
तब तक आप उस काम को करने से घबराते डरते नहीं हैं। हमें डर ही तब लगता है इसका ये हो जाना है, फिर हम उस वक्त डरते हैं, नहीं नहीं भैया अब नहीं ये करना। तो आपको CPC बताती है कि आपने करना क्या है, और अगर ये नहीं करना तो फिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसकी लिस्टें, उसके लिए कॉन्सिक्वेंस क्या है, वो भी जो है वो हम सारा जो है वो देख लेते हैं। क्योंकि जनरली मैं उन चीज़ों पे नहीं जा रही, जैसे अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स है आपने कैसे करानी है वो आपको बता रहा है। एक चीज़ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स से मैं ऐड करना चाहती हूँ कि बाज़ोकात ऐसी एप्लीकेशंस भी ड्राफ्ट होती हैं कि अमेंडमेंट इन द प्लीडिंग्स ऑफ द अदर पार्टी सीख की जाती है, इसके जवाब दावे में तरमीम कर दीजिए। आप अपनी प्लीडिंग में अमेंडमेंट सीख कर सकते हैं, प्लीडिंग मीन्स प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट, मगर 6-17 कहता है हीज प्लीडिंग्स, जो सी अप अमेंडमेंट कराना चाहता है वो अपनी में कर सकता है, वो दूसरे रिटर्न स्टेटमेंट में, अगर प्लेंटिफ है तो रिटर्न स्टेटमेंट में नहीं करवा सकता, डिफेंडेंट है तो वो प्लेंट में नहीं करवा सकता, ऐसी सूरत में क्या करें आप, दूसरे की प्लीडिंग्स में तो अमेंडमेंट नहीं करवा सकते, फिर कोर्ट हैज पावर, वो स्ट्राइक आउट कर सकती है स्कैंडलस डिलेइंग, जिससे फेयर ट्रायल को कहीं कमी आ रही हो, कोई अननेसेसरी ये चीज़ें, वो फिर आप कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं आप कि जी इसको यहाँ से ऑन दिस ग्राउंड, वो जो ग्राउंड है वो भी जो है वो ऑर्डर 6 मिल के आप कैसे जो है वो करवा सकते हैं, आप उसको कैसे करवा लीजिए, बट अदरवाइज नहीं होता। और फिर एक छोटी सी जो है वो एक और बात जो है वो ऑर्डर 6 के साथ साथ मैं चलती चलूँ कि अगर आपने अमेंडमेंट की परमिशन ले ली है और फिर क्या होता है, बस हम परमिशन लेते हैं और फिर हम सो जाते हैं और कोर्ट मांगती रहती है मुरम्मा अर्जी दावा, मुरम्मा जवाब दावा, और फिर हमने नहीं देना होता, वो शायद आई डोंट नो क्यों नहीं देना होता, वो शायद लॉयर्स ज़्यादा बेहतर आंसर कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती कि क्यों नहीं देते, मगर वो ले गए परमिशन फिर नहीं देते। बट द स्टैट्यूट इज स्ट्रिक्ट, कानून जो है वो ऑर्डर 6 रूल 18 कहता है फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर, अगर तो ऑर्डर में टाइम फिक्स है 15 दिन में दें तो फिर आपको उस 15 दिन में देना है, और अगर टाइम फिक्स नहीं है तो फिर 14 डेज स्टैट्यूट फिर आगे आ जाता है, 14 डेज से आगे स्टैट्यूट नहीं फिर जाने देता, कोर्ट चाहे तो 6 महीने दे दे, कोर्ट चाहे तो 2 महीने दे दे, मगर अगर कोर्ट ने टाइम फिक्स नहीं किया तो फिर 14 डेज है, अगर आप उसमें अमेंडमेंट नहीं की रिक्वेस्ट फिर क्या होगा, फिर उसके बाद है ही शैल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड दैट इज फिक्स्ड बाय द कोर्ट और ऑफ द 14 डेज, जो भी कर दिया जाए। तो इसलिए अमेंडमेंट सीख करने के बाद बराए मेहरबानी अमेंडेड प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल कर दिया कीजिए, ठीक है। अब एक इसके अंदर एक और आती है, जहाँ कोई डिफेंडेंट एक्सपायर हो जाए, आप डिफेंडेंट एक्सपायर हो गया, दैट डिफेंडेंट हैज नेवर अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, ये एक सिचुएशन है, वो ऑलरेडी एक्स पार्टी है। अब क्या ऐसे एक्स पार्टी डिफेंडेंट के भी लीगल ईयर्स को इम्प्लीड करना है, व्हाट इज द आंसर, करना है? एक डिफेंडेंट का रिटर्न स्टेटमेंट का राइट स्ट्रक ऑफ हुआ है, फिर वो एक्सपायर हो जाता है, उसको इम्प्लीड करना है उसके लीगल ईयर्स को, स्टैट्यूट सेज नो, कोई जरूरत नहीं है। एक्स पार्टी डिफेंडेंट के लीगल ईयर्स को अपॉन हिज डेथ इम्प्लीड करने की जरूरत नहीं है। एक डिफेंडेंट जिसका अपना रिटर्न स्टेटमेंट का राइट स्ट्रक ऑफ हुआ है, उसके लीगल ईयर्स को इम्प्लीड करेंगे, आगे क्या होएगा, उसके लीगल ईयर्स आएंगे, फिर आप मुरम्मा जवाब मांगेंगे। तो अब आप देखें कि आपने एक ऐसा काम शुरू कर दिया है, आपने ऑब्जेक्ट नहीं किया, अब आपको पता ही नहीं है, आप कहेंगे जी इस ये फौत हो गया ठीक है, मगर इसका तो रिटर्न स्टेटमेंट का राइट स्ट्रक ऑफ हुआ, अब इसके डिफेंस में अगर जो लोग आएंगे इसके लीगल ईयर्स, क्या वो अदरवाइज कोई और राइट क्लेम कर सकते हैं इन द सूट जो उनके प्रेडिसेसर के पास था, वो उसी के स्टेप करेंगे ना शूज में, तो इसका मतलब है अगर उनके प्रेडिसेसर का रिटर्न स्टेटमेंट का राइट स्ट्रक ऑफ हुआ है तो उनका भी हुआ है, अब वो आगे क्या करेंगे। यहाँ एक अनोमली है, किसी वक्त जो है वो शाह साहब से इस पर मैं डिस्कशन करना चाहूँगी कि सारी की सारी एविडेंस लीड होती है प्लीडिंग्स के ऊपर, जो मेरा सवाल है अभी तक कायम तो अनआंसर्ड, प्लीडिंग्स खड़ी हैं तो शहादत है, शहादत है तो फिर आर यू हैव अ डिफेंस,
You have a defense, then you can cross, then you can lead your evidence. But if there is no pleading, a defendant whose written right to written statement has been struck off, uska to koi jawab dava hi nahi hai. Aur wo uth ke aata hai aur wo kehta hai ki ji main cross to kar sakta hu na, to main cross karunga. Ab kya cross examination evidence nahi hai? To jiska right struck off hua hai wo ek evidence kara raha hai. और ही इज कॉन्टिन्यूइंग. और उसने उस क्रॉस कराते कराते अपना पूरा डिफेंस ला के आगे रख दिया अदालत के, हालांकि टेक्निकली इज नॉक्ड आउट ऑफ द कोर्ट. अब ऐसे लीगल हेयर्स को इम्प्लीड करना, उन्हें जवाब दावे के लिए आने देना, फिर वो एक डिफेंस ले आए, फिर उस डिफेंस को कॉन्टिन्यू करना, ये है अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. इसको रोकने के लिए हम तब एक्टिव हो सकते हैं जब हमें पता हो कि ऐसे ने नहीं आना. मेरा ख्याल है, मुझे फीडबैक नहीं मिली सिवाय एक दो लोगों से कि सब के, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ सभी लोग हम इतना ही समझते थे कि ऐसे ने आना है. क्योंकि अगर हम डिफेंडेंट साइड से होंगे फिर तो हम लड़ेंगे, हम कहेंगे जी हम तो एक्सपर्ट ही, हमें तो आने दें, हमने तो आना ही आना है क्योंकि हमारा प्रीडिसेसर एक्सपर्ट ही था. बट द स्टैट्यूट वो कहता है कि नहीं. और सूट कैसे प्रोसीड करेगा? सूट के लिए अब आप उस पर जाएं, आप उसको चैलेंज करने के बाद चुप करके बैठे रहते हैं. एक्सपार्टी डिफेंडेंट के आप वकील हैं, आप चुप करके बैठे रहते हैं और वो एक्सपायर हो गया, वो एक्सपायर हो गया, उसके लीगल एयर्स इम्प्लीड नहीं हुए. जब अपील आई तब आप आ गए, या जजमेंट आई तो आप उसको अपील करने के लिए आ गए. और आप इस ग्राउंड पर अपील करते हैं कि जी वो तो डिफेंडेंट एक्सपायर हो चुका था, एक डेड पर्सन के अगेंस्ट डिग्री आ गई है, तो इट इज़ ए नलिटी, इसको चैलेंज कर दें. अब आप समझेंगे कि आप सक्सेसफुल हैं. द स्टैट्यूट वहाँ पे फौरन आगे खड़ा हो जाता है और वो कहते हैं नहीं, सच ए डिफेंडेंट जो एक्सपायर हो गया है, इफ इट वाज एक्स पार्टी या उसका राइट स्ट्रक ऑफ हो गया था, सूट ऐसे प्रोसीड करेगा एज इफ ही वाज अलाइव, वो जिंदा बैठा था. तो इसलिए अब आगे जो है वो आपकी आपकी प्लीडिंग्स के सिलसिले में, चूंकि ये इतने रिलेटेड चीज़ें थी, ऑल दो मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं जिससे हमारी लिटिगेशन बहुत आगे जा रही है. तो CPC का जो मेन एम है, कटेल करें लिटिगेशन जितनी है पॉसिबल हो सकती है, और वो हम लोगों का काम है ना. आप उस लिटिगेशन को हमारे पास लेकर आते हैं, आपने उसको कटेल कर अपनी एफर्ट करनी है, उसको हमने कटेल करने के लिए अपनी एफर्ट करनी है, ठीक है. उसके लिए जो है ये छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी. फिर वो लिस्टों पे आ जाएं, जो फ़र्द पता है, फ़र्द मुनसरा है, फ़र्द दस्तावेज़ात पेश कर दें. अगर वो नहीं आती तो आप जानते हैं कि क्या होता है, फिर आपको आने नहीं, लाने नहीं दी जाती वो. बट फ़र्द पता की बात जो है ना वो बड़ी मज़ेदार है. जहाँ फ़र्द पता है अगर नहीं देते तो सूट डिसमिस हो जाता है. अब अगर सूट किसी जज साहब ने डिसमिस कर दिया तो चूंकि आजकल ये नहीं होता तो फिर आप सब नाराज हो जाएंगे, ठीक है. तो आप ना अपने लिए आसानी करें, कोर्ट के लिए आसानी करें, फर्द बता दें. व्हाट इफ द दैट प्लेंटिफ एक्सपायर्स? अब वारसान के साथ आपका राबता नहीं है, उसका नंबर ऑफ हो गया, वो मर गया, उसका सेल नंबर बंद, आपके पास किसी और का राबता नहीं है. अब आपके पास फर्द पते में उसके वारिसान की कोई कैफियत नहीं है, आपने कभी लिया ही नहीं, आपने सिर्फ उसका पता लिखा हुआ है, मुदई का. उसके साथ जो सात ऑर्डर सात रूल 26 ये है प्लेंटिफ के लिए, और ऑर्डर 8 रूल 13 है डिफेंडेंट के लिए, वो देगा. अब CPC इधर मुझे नहीं लगता किसी के पास है, अगर किसी ने रखी हुई है तो काइंडली खोल के देख लीजिए. वहाँ से आपको पर्टिकुलर्स पता लग जाएंगे आपने क्या क्या कुछ वहाँ पे देना है, वो आप देंगे. और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी स्टैट्यूट कहता है कि अगर आपने नहीं दिए तो ही शैल हैव हिज सूट डिसमिस्ड, जिसने प्लेंटिफ ने नहीं लगाए. फिर हम लोग वो जो महीनों की लंबी एक्सरसाइज होती है ना, फरिश्त वारसान, वो हमें पता ही नहीं होता. अगर हमने पहले से ली हुई होगी तो फहरिस्त वारसान, वो ये नहीं है कि आपने मुदई का नाम वल्दियत और पता लिख देना है, दैट इज़ जस्ट फर्द पता. फर्द पता इज़ वो जिन जिन लोगों को अपने बाद हियर कहता है कि वो मेरी जगह पे, मैं उनको नॉमिनेट करता हूँ, मेरे बाद वो मेरे वारसान के तौर पर इस दावे में आ सकते हैं, वो उसने देने हैं. प्लेंटिफ ने अपने देने हैं, डिफेंडेंट ने अपने देने हैं.
इसकी एक और बड़ी मज़ेदार जो है वो एक लिटिगेशन में मैंने एक मैटर डिसाइड किया और उसकी मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह करने का और क्या फ़ायदा होता है। एक पर्सन था, ही हैड टू वाइव्स, दो बीवियाँ थीं और दोनों बीवियाँ सगी बहनें थीं, एंड ही हैड कंसील्ड या समहाउ डिस्क्लोज्ड। अब जो कंसील किया था, डिस्क्लोज किया था, वो दोनों जो सेकेंड वाइफ एंड दैट हस्बैंड बोथ हैव एक्सपायर्ड, जो फर्स्ट वाइफ से बच्चे थे दे वर लिटिगेटिंग फॉर द इनहेरिटेंस एंड दे सेड के जी ये इससे कभी हमारे बाप ने शादी ही नहीं की, उसने कभी शादी नहीं की, इसलिए ये जो डिफेंडेंट्स हैं ये हमारे बाप की औलाद ही नहीं है। तो देयर वॉज अ सूट फॉर डेक्लरेशन इन विच देयर पेरेंटेज वॉज अंडर क्लाउड, कि जी ये तो हमारे बाप से है ही नहीं, हमारे बाप ने इनकी माँ से कभी शादी नहीं की, दे वर टू रियल सिस्टर्स, इनकी शादी हो नहीं सकती थी, सिंस उनकी शादी नहीं हो सकती थी तो ये अव्वल तो हुई नहीं है, और अगर प्रिज्यूम भी कर लिया जाए तो तब भी जो है वो ये लीगली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जो है दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनीथिंग। अब उसके अंदर पहले जो है वो मैंने डिसाइड किया था जो उसमें कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस रिलेशनशिप, ये मैरिज वॉइड नहीं है, इट इज़ वॉइडेबल एज फार एज हनफी कानून इज कंसर्न्ड, क्योंकि ये वॉइडेबल थी तो मैरिज तो वहाँ पे जो है वो अगर ये प्रूव हो जाए कि मैरिज है तो फिर ये उसके लीगल हेयर्स भी बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि प्रूव कैसे होना, अब जिसके साथ वो शादी क्लेम की गई है ही इज़ नो मोर, कि वो अब आगे कह के ये मेरी बीवी है। इट वॉज अ केस ऑफ 50s, को 50-52 की साल की बात है, 1952 की शादी को क्लेम की हुई थी, उधर कोई फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस नहीं था, उधर कोई निकाहनामा नहीं था, उधर कोई चीज़ रजिस्टर्ड नहीं थी, तो अब क्या किया जाता, अब एक्नॉलेजमेंट्स आनी थी कि क्या इस बंदे ने, मरने वाले ने अपनी ज़िंदगी में कभी इन लोगों को अपना कोई रिश्तेदार किसी अपनी खतों किताबत में कहीं अपनी तहरीर में एडमिट किया था। अब उसकी एक्नॉलेजमेंट्स थी, उसकी एक्नॉलेजमेंट्स में चूंकि वो पुराना दावा था ना, पुराने वकीलों का दावा था, तो उसकी फाइल्ड पटिशन्स जो थी कोर्ट्स में, उसकी अर्लियर लिटिगेशन, जो प्रॉपर्टी जब उसने ली थी कभी लिटिगेशन करके, उसमें जो उसने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए थे, फरिश्तें लगाई हुई थी, दे वर ड्यूली साइंड, दैट इंक्लूडेड दोज डिफेंडेंट्स एज हिज हियर्स, उसने अपनी बीवी की जगह पे अपनी दूसरी बीवी का नाम लिखा हुआ था, नॉट द फर्स्ट वाइफ। डिफेंडेंट्स वर क्लेमिंग दैट ही हैड डाइवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ एंड देन मैरिड। तो मैंने कहा कि डाइवोर्स भी प्रूव नहीं हो रही, तो स्टेटस तो दोनों का वॉइडेबल मैरिज है और इसमें लेजिटिमेट है ये, तो इसलिए उनको इनहेरिटेंस भी दी और एक्नॉलेजमेंट्स इस तरह की, इसके अलावा और बहुत से डॉक्यूमेंट्स, बट दैट दिस वाज वन इंसिडेंट, कि ये एक डॉक्यूमेंट भी था कोर्ट को हेल्प करने के लिए कि उसकी अपनी लाइफ की एक्नॉलेजमेंट्स हैं कि ये मेरे वारिसान हैं। तो ये आसानी है आइंदा आपको आइंदा लिटिगेशन में भी, और ये जो मामलात आपने नहीं सोचे होते या उनमें भी जाके आसानियां पैदा कर देते हैं, तो इसको इंश्योर कीजिए, ये आप नहीं करते हैं, इसमें कोई कोर्ट आपके लिए हेल्प नहीं कर सकती। तो इस प्लीडिंग्स के इस पोर्शन को इग्नोर मत कीजिए, नीदर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग प्लेंट नॉर एट द टाइम ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, इसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस देखते हुए अगर उससे डर नहीं लगता तो तब भी कीजिए, लेकिन अदरवाइज स्टैट्यूट जो है वो आपको फिर रोकता है आइंदा चलने से, ठीक है, उस पर वो जो है वो चले जाते हैं। अगर आप लोग बोर हो गए तो आई कैन स्टॉप ओवर हियर, ठीक है, कंटिन्यूड। हाउ मच टाइम आई हैव कंज्यूम्ड, मुझे नहीं पता, घंटा हो गया, चले मेरे ख्याल 1 बजे तक तो हम चल सकते हैं, 1 बजे तक चले जाते हैं। अब ये फहरिस्तें भी आ गई, ये प्लीडिंग्स भी हो गई, अब इसके बाद मैंने जो बताया था हमारे एडमिशन्स आ गए, एडमिशन्स के बाद फिर हमारे इश्यूज आ गए, इश्यूज के बाद फिर हमारी एविडेंस जो है वो लीड होना शुरू हो जाती है। एविडेंस के लिए भी आप देखें प्लीडिंग्स, एविडेंस के बियॉन्ड प्लीडिंग्स नहीं हो सकती, तो प्लीडिंग्स में अगर कोई प्ली रेज नहीं की हुई तो फिर उस पर एविडेंस नहीं आनी। एंड व्हाट इफ हम भी नहीं देखते, जज साहब ने भी नहीं देखा कि जो शहादत हो रही है ये एज पर प्लीडिंग्स है कि नहीं, आपने भी जल्दी जल्दी शहादत करवाई, ये नहीं देखा कि जो चीज़ ये मुद्दई कही जा रहा है क्या ये प्लेंट में है, या जो चीज़ आज मुद्दा ले शहादत में दर ये प्लेंट में है और वो शहादत रिकॉर्ड होगी। अब जो भी आमदा शहादत है
اس کے بعد اس کی سفٹنگ شروع ہوتی ہے اور وہ آپ کے آرگومنٹس کا کام ہے. آپ اپنی ایویڈنس اور اپنے پلیڈنگز سامنے رکھتے ہوئے جو بیونڈ پلیڈنگز ہے شہادت میں سے لال پینسل سے کاٹتے جائیے. اینڈ دیر از ون جسٹ آرگومنٹ ایز ریگارڈز دیٹ ایویڈنس. سر میڈم دس از بیونڈ پلیڈنگز, اٹ کین ناٹ بی ریڈ ان ایویڈنس. اٹ ہیز کم آن ریکارڈ بٹ اٹ کین ناٹ بی ریڈ ان ایویڈنس. اب آپ کی شہادت جو ہے, میرا خیال ہے ایسی جرا پڑھنے یا وہ شہادت دینے کے بعد جو شہادت کام کی رہ جاتی ہے, جو اب تک میں نے ایکسپیرئنس کیا وہ کوئی اتنی سی رہ جاتی ہے 15-22 صفحوں کے بعد. اب اس کام کی ایویڈنس میں آپ نے ایڈمیشنز نکالنے ہیں, اس کام کی ایویڈنس میں سے ہی آپ نے کانٹراڈکشنز نکالنے. تو جب آپ ایویڈنس پڑھنے لگیں کسی بھی دعوے کے لیے تو پلیڈنگ سامنے رکھتے ہوئے اس کو ڈسکارڈ کرتے جائیں وچ از بیونڈ پلیڈنگس. آپ پھر اس پورشن کو دیکھ لیجئے جو پورشن پیچھے رہ جاتا ہے آفٹر دس سفٹنگ, اینڈ دیٹ کانسٹیٹیوٹس یور آرگومنٹس. پھر اس پہ آپ کے آرگومنٹس تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے فائل پریپیئر کرنے کا. میں نے یہ سارے میکانزمز اپنے لیے تب کیے ہیں جب میں نے تھوڑا سا پیریڈ, میں نے کبھی کورٹ پریکٹس نہیں کی. آئی ہیو نیور بین اے ریگولر لائر, آئی ہیو نیور اپیئرڈ بیفور اینی کورٹ. کیونکہ میں نے جب ایل ایل بی کیا تھا تو اس وقت ریکوزیشن آئی ہوئی تھی 2004 میں, اور 2004 میں میں نے اسی وقت جوڈیشری کا امتحان دیا اور آئی گاٹ سلیکٹڈ ان مائی فرسٹ اٹیمپٹ بائی دا گریس آف آل مائی ٹی. سو آئی ڈونٹ نو کہ کیس کیسے پلیڈ کرنا ہے. آئی نیور نیو بیفور آئی سٹ ایز این ایز اے جوڈیشل آفیسر ایٹ سول کورٹس ایوانے ادر لاہور. دیٹ واز مائی فرسٹ پوسٹنگ, وہاں مجھے پتا چلا تھا. لیکن میرے والد صاحب ہی ہیپن ٹو بی اے لائر, سو آئی ہیو آل دا رسپیکٹ فار دا لائرز. میرے بزرگ مجھے ان میں اپنے والد صاحب نظر آتے ہیں, اور جب تک میرے یہاں پہ تعیناتی رہے گی بزرگ جو ہیں وہ فیل کرتے رہیں گے کہ میری محبت بزرگوں سے تھوڑی سی زیادہ ہے. تو جو میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ پلیز پریجڈسٹ مت فیل کیجئے گا, وہ یہ مت سوچئے گا کہ بزرگوں کی تو یہ دیکھے سینئر کونسل آ جائے تو میڈم جو ہے وہ زیادہ ہی نرم ہو جاتی ہیں. بیکاز آئی سی دیم ایز مائی ایلڈرز ایز ویل. جو ہمارے اخلاقی معیار ہیں کائنڈلی ان کو ضرور برقرار رکھیے. کوئی ہمارا کچھ بھی نہ ہو, وہ ہم سے اگر عمر میں بڑا ہے نا تو اس کی عمر کا لحاظ کیجئے. آپ شاید ادروائز بہت اسٹرانگ کیس لے کر آئے ہوں گے کورٹ میں, لیکن دس اسٹرانگ کیس مسٹ ناٹ پریجڈسڈ یو دیٹ یو ہیو گاٹ دا لائسنس کہ آپ کسی دوسرے کو ہیومیلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے all maintaining all the respect, argue your case, اور اس کے بعد آرام سے کورٹ سے جائیے. The relief that a humble and lawyer gets from the court, وہ کوئی arrogant lawyer نہیں لے سکتا. As a judge میں آپ کو بتا رہی, we have almost in every case اتنی discretion ہوتی ہے کہ اگر وہ ہمیں ہمبل لائر ہو تو ہم بڑی آرام سے اسپیئرنگلی ایکسرسائز نہیں کرتے. اگر کوئی لائر اس طرح سے ہو تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح شارٹ ٹیمپرڈ ہوں جیسا بھی تو پھر وہ شاید اس کو استعمال کریں گے, کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے یہ ہوا ہے. تو لیکن میری کوشش میں, اٹس مائی فرسٹ اپیرینس بیفور آل آف یو, تو میرا ایک اصول یہ ہے کہ جب مجھے غصہ آ جائے تو آئی ڈونٹ ورک, میں اپنی فائل ساری کلوز کر لیتی ہوں. جس دن مجھے لگے کہ آئی ایم ناٹ رائٹ اوور ہیئر, یا میں کسی بھی بات سے پریجڈس ہو گئی ہوں, میں کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں کرتی, میں بھی ساری فائلیں بند کر دیتی ہوں کہ آج جو ہے نا آئی ایم ناٹ ان اے فٹ اسٹیٹ آف مائنڈ کہ میں ڈیسائیڈ کر سکوں. کسی اور کا نقصان میری ذات کی وجہ سے ہونا ہو جائے تو آج ختم بس. تو اس لیے افینڈ ہی نہ کریں کسی کو, کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی اور نہ کرے ایسی فائل کلوز نا, اور وہ کہے کہ نہیں آج تو بس اس کو اب بتانا ہے, میں نے اب دو چار آرڈر کر ہی دینے اس کے خلاف. اس کو چیز کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے. چھوٹے بھائیوں کو اس لیے اسپیشلی سمجھا رہی ہوں کہ جو بڑے ہیں ان کی روایتیں ہم نے لے کے چلنا ہے آگے, تو اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کیجئے پلیز. اب یہ لسٹ آف ڈاکومنٹس وغیرہ والا آ گیا. افیکٹ آف ڈیتھ والا جو ہے نا, یہ 22 آرڈر 22 ہے, اگر آپ وہاں پہ دیکھنا چاہیں اس میں رائٹ ٹو سو, سروائیول, یہ سارا جو ہے وہ اس کے اندر دیا ہوا ہے. سروائیو کرے گا نہیں کرے گا, سوٹ کون سا بیٹ کرے گا اگر آگے نہیں جا سکتا. لیکن اس کے اندر ایک بڑی مزے کی جو پروویژن ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر رائٹ ٹو سو سروائیو نہیں بھی کرتا بٹ دا کیس ہیز کنکلوڈیڈ اینڈ بیفور دا پروناؤنسمنٹ آف ججمنٹ ایدر دا پلینٹیف اور دا ڈیفینڈنٹ ڈائز,
तब सूट ने अबेट नहीं करना। डैमेजेस का सूट अबेट कर जाते हैं, पर्सनल एक्शन है अबेट कर गए। ज़्यादातर अब हमारे पास एक यही लिटिगेशन रह गई है पर्सनल एक्शन वाली, सूट फॉर डैमेजेस डेफामेशन के, मलिशियस प्रोसिक्यूशन के। अगर उसमें डिफेंडेंट या प्लेंटिफ एक्सपायर कर जाए तो लीगल एयर्स नहीं आते। लेकिन अगर सूट सारा कंक्लूड हो गया, शहादतें भी हो गई हैं, बहस की स्टेज पे आ, देर इज नथिंग मोर लेफ्ट टू बी डन बाय द पार्टीज देमसेल्व्स, द फाइल इज विद द कोर्ट, इवन आर्गूमेंट्स के बगैर भी इट कैन बी अनाउंस, इट कैन बी डिसाइडेड। तो अब आर्गूमेंट्स की स्टेज नहीं आई, नहीं आई, शहादत आज खत्म हुई और आज जो है वह मुदल एक्सपायर हो गया, दिस सूट इज नॉट गोइंग टू बी अवेट। ये सूट कंटिन्यू करेगा, जजमेंट प्रोनाउंस होगी, इट विल बी ट्रीटेड एज डिग्री ऑफ द डिसीज्ड, और इस डिग्री की फर्दर असाइनमेंट भी इसी तरह ही होगी जैसे बाकी डिग्रीज की होती है। अगर कोई ऐसा लिटिगेंट है जो कि खुद नहीं कर सकता उसको परसू, तो आप उसकी डिग्री की असाइनमेंट करवा सकते हैं। यू कैन मैनेज टू सेल द डिग्री टू सम अदर क्लाइंट, ये आपको पता है, उस साइल को नहीं पता, तो आप क्या करवा सकते हैं कि वो कह के जी मेरे से कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन बर्दाश्त नहीं होती, मैं तो अगे ही बुढ़ा हो गया, 20 साल बाद डिग्री मिली है। तो कोई ऐसा साइल जो उसकी डिग्री परचेज कर ले, सो आप असाइनमेंट डीड बनवा सकते हैं। कन्वेंसिंग का एक ये तरीकेकार है, असाइनमेंट डीड बनवाइए, डिग्री उस बंदे को असाइन करवा लीजिए और वो एग्जीक्यूशन में आ जाए और वो उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवा ले। तो असाइनमेंट ऑफ द डिग्री जो है ये मैं आई थिंक इट इज 2116 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शाह सर। तो असाइनमेंट ऑफ डिग्री वो भी आप करवा सकते हैं, ये एक और तरीकेकार है कि आप उस डिग्री को इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं। तो ये जो डेथ ऑफ पार्टी वाला है ये है ऑर्डर 22, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके ये रिलेटेड विद ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8 है। ऑर्डर 7 और 8 के जो रूल्स मैंने आपको बताए थे 7/26 और 8/13, ये ऑर्डर 22 के, इसका रेफरेंस ऑर्डर 22 में दिया हुआ और ऑर्डर 22 का रेफरेंस इन रूल्स में दिया हुआ, तो ये इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो इस तरीके से जो है वो हम प्लीडिंग्स में जाते हैं। प्लीडिंग्स में जो हम, मैं आपको असल में डिफाइन नहीं करना चाहती प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को, लेकिन जो स्टैट्यूट है वो डिफाइन करता है कौन है प्लेंटिफ और कौन है डिफेंडेंट, इन होम द रिलीफ एग्जिस्ट इज अलेज टू एग्जिस्ट, ये कहता है खुद ऑर्डर 1, इन होम जिसमें है और फिर जिसके खिलाफ है, अगेंस्ट होम द राइट इज अलेज टू एग्जिस्ट, तो वो है डिफेंडेंट। अब यू कैन ज्वाइन एज मैनी प्लेंटिफ्स एज यू कैन ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, आप कितने प्लेंटिफ्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये सूट फॉर डैमेजेस और फॉर मलिशियस प्रोसिक्यूशन, एक FIR में 7 जो है वो मुलजिमान है, दे गॉट एक्विटेड। अब वो 7 मुलजिमान अपने अलग-अलग दावे दायर करते हैं, तो ऑल ऑफ देम कैन बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ्स इन वन सूट। एक कॉज ऑफ एक्शन की ये मिसाल है बड़ी सिंपल सी। एक ये है कि सेवरल कॉजेस ऑफ एक्शन है, सेवरल प्लेंटिफ्स है, सेवरल डिफेंडेंट्स हैं, ये ज्वाइन हो सकती हैं और आपने ज्वाइन करके दावा दायर कर दिया, मगर कोर्ट सेज के नहीं है, इसको कन्वीनियंटली नहीं किया जा सकता, तो फिर कोर्ट कैन ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, उसको सेपरेट भी किया जा सकता है, बट यू कैन ज्वाइन। और इस पर डिसमिसल भी नहीं होता कि जी सूट डिसमिस हो गया। मैं एक कॉमेंट्री में पढ़ी थी, एक रिट पटिशन डिसमिस हो गई इस बात पर, एंड आई वॉज वंडरिंग कि कैसे, द कोर्ट हैज़ द पावर, और उसमें लिखा हुआ क्या, रिट पटिशन में हाई कोर्ट के पास जो पावर्स हैं वो CPC वाली हैं, तो जब CPC वाली हैं, CPC में ट्रायल कोर्ट कर सकती है, सेपरेट ऑफ ट्रायल कर सकती है, तो फिर रिट में भी हो सकता है। तो ये प्रोविजन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, अगर किसी भी वजह से आपने जो ज्वाइंडर किया हुआ उसको कोर्ट कंसिडर करती है कि दिस इज मिस ज्वाइंडर, इवन इफ दिस इज मिस ज्वाइंडर, तो मिस ज्वाइंडर पर जो है वो आपका सूट डिसमिस नहीं होना, फिर आप कह सकते हैं कि जी ऑर्डर्स फॉर सेपरेट ट्रायल इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, हम अलग अलग शहादतें दे जाते हैं। इसी तरह जो 9 है, ऑर्डर 1 रूल 9, वो मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर पे सूट भी डिसमिस नहीं होना। तो अगर ऐसा कोई डिसमिसल होता तब भी आपकी प्लीडिंग्स जो है वो आपको हेल्पर करेंगी, क्योंकि आपको CPC जो है वो कह रहा है कि सूट का डिसमिसल नहीं होता। तो फिर अगर ऐसा सूट किसी ऐसी वजह से डिसमिस हो जाए, तो आपके आप अपील में जो है वो उसको बिल्कुल एक सिंपल इस ऑर्डर 1 और रूल 9 का हवाला दे के अपनी अपील जो है उसमें सक्सीड कर सकते हैं।
10-110 जो है वही जो बहुत हमारी फेवरेट दरख्वास्त है, एक दस डाल देनी है हर एक केस में, कहीं कुछ छोड़ देना बाद में डाल देना है या कुछ नहीं है, सब्सिक्वेंटली एग्रीमेंट टू सेल हो गया या पुराना एग्रीमेंट टू सेल बना दिया, सब्सिक्वेंटली वो लोग आ रहे हैं, किसी ने परचेज कर लिया वो सब्सिक्वेंटली आ रहा है, ऐसी पिटिशंस 110 की आती रहती हैं। ऐसी पिटिशंस 110 की इसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं, 110 में सुओ मोटो पावर्स भी हैं कोर्ट की, कोर्ट इटसेल्फ भी कर सकती है और आप भी एप्लीकेशन दे के बना सकते हैं, लेकिन उसका मकसद ये है कि इफेक्चुअली डिस्पोज ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज, अगर उसके लिए वो ज़रूरी है तो फिर 110 की पिटिशन जो है उस पर ज़रूर जाएँ वो करें, ताकि वो पार्टीज़ जो है इफेक्चुअली उनका मैटर जो है वो डिस्पोज ऑफ हो सके। थैंक यू।